नीतीश कुमार की सरकार ने बिहार में एक दुर्भाग्यपूर्ण वाला निर्णय लिया है। लगातार तुष्टिकरण के चक्कर में लालू जी और नीतीश कुमार जी बिहार की सरकार के द्वारा ये दबाव बनाया जा रहा है शिक्षकों पर कि आप छुट्टी में ना जाए, और अब तो आदेश निकाल दिया गया 14 छुट्टियों को रद्द करने का काम किया है, जिसमें जन्माष्टमी है, तीज है, दुर्गा पूजा है और गुरु नानक जयंती भी है। इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता है बिहार के लिए कि नीतीश कुमार जी अपने प्रधानमंत्री बनने के चक्कर में नीतीश कुमार जी तुष्टिकरण के प्रकाष्ठा पे पहुंच रहे हैं। ये दुर्भाग्य है, ये सरकार को तुरंत ये फैसला वापस लेना चाहिए। नीतीश कुमार की सरकार ने बिहार में एक दुर्भाग्यपूर्ण वाला निर्णय लिया है। लगातार तुष्टिकरण के चक्कर में लालू जी और नीतीश कुमार जी बिहार की सरकार के द्वारा ये दबाव बनाया जा रहा है शिक्षकों पर कि आप छुट्टी में ना जाए, और अब तो आदेश निकाल दिया गया 14 छुट्टियों को रद्द करने का काम किया है, जिसमें जन्माष्टमी है, तीज है, दुर्गा पूजा है और गुरु नानक जयंती भी है। इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता है बिहार के लिए कि नीतीश कुमार जी अपने प्रधानमंत्री बनने के चक्कर में नीतीश कुमार जी तुष्टिकरण के प्रकाष्ठा पे पहुंच रहे हैं। ये दुर्भाग्य है, ये सरकार को तुरंत ये फैसला वापस लेना चाहिए। नीतीश कुमार की सरकार ने बिहार में एक दुर्भाग्यपूर्ण वाला निर्णय लिया है। लगातार तुष्टिकरण के चक्कर में लालू जी और नीतीश कुमार जी बिहार की सरकार के द्वारा ये दबाव बनाया जा रहा है शिक्षकों पर कि आप छुट्टी में ना जाए, और अब तो आदेश निकाल दिया गया 14 छुट्टियों को रद्द करने का काम किया है, जिसमें जन्माष्टमी है, तीज है, दुर्गा पूजा है और गुरु नानक जयंती भी है। इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता है बिहार के लिए कि नीतीश कुमार जी अपने प्रधानमंत्री बनने के चक्कर में नीतीश कुमार जी तुष्टिकरण के प्रकाष्ठा पे पहुंच रहे हैं। ये दुर्भाग्य है, ये सरकार को तुरंत ये फैसला वापस लेना चाहिए। नीतीश कुमार की सरकार ने बिहार में एक दुर्भाग्यपूर्ण वाला निर्णय लिया है। लगातार तुष्टिकरण के चक्कर में लालू जी और नीतीश कुमार जी बिहार की सरकार के द्वारा ये दबाव बनाया जा रहा है शिक्षकों पर कि आप छुट्टी में ना जाए, और अब तो आदेश निकाल दिया गया 14 छुट्टियों को रद्द करने का काम किया है, जिसमें जन्माष्टमी है, तीज है, दुर्गा पूजा है और गुरु नानक जयंती भी है। इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता है बिहार के लिए कि नीतीश कुमार जी अपने प्रधानमंत्री बनने के चक्कर में नीतीश कुमार जी तुष्टिकरण के प्रकाष्ठा पे पहुंच रहे हैं। ये दुर्भाग्य है, ये सरकार को तुरंत ये फैसला वापस लेना चाहिए।